गैलरी के अंदर मटकियाँ लगाई जा रही हैं क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो चुका है और मटकियाँ बहुत टाइम से नहीं लगी थी अवेरी के अंदर। बर्ड्स जो है ना वो ब्रीडिंग करने के लिए परेशान हो रहे थे और इधर उधर दीवालों को भी वो लगातार खोद रहे थे। वो इसीलिए कर रहे थे कि जो है ना उनको ब्रीड करना है और ब्रीड करने का सही जो है ना चीज़ें मिल नहीं पा रही थी। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अपने बजीज पैरेट की अवेरी के अंदर मटकियाँ लगा दी हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही हमें जो है ना रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। मटकियों के साथ में उनके जो बॉक्सेस मतलब ढक्कन हैं वो भी हमने बंद कर दिए हैं क्योंकि ठंडी का टाइम तो शुरू ही हो ही चुका है और जल्दी ही ये सब जो है ना इसके अंदर ब्रीड करेंगे और जल्दी से हमें रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। कुछ फीमेल हैं जो कि जो है ना एकदम रेडी है ब्रीडिंग करने के लिए और उन्हीं का अच्छा सा एक रिज़ल्ट का इंतज़ार जो है ना हम करेंगे। अभी दिए हुए मुझे मुश्किल से आधा घंटा हुआ है और इन आधा घंटे का जो रिएक्शन है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने पैरेट्स को। मटकियाँ जो है ना हिल रही हैं तो बहुत सारे भाइयों को लग रहा होगा कि यार ये मसला है हिलने से कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बजीज पैरेट की हिलने से किसी तरह का कोई मसला नहीं होता, एकदम अच्छी ब्रीड होती है, सब कुछ सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती बॉक्स वगैरह या मटकी वगैरह हिल रही हो तो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने बहुत अच्छे से लिया हुआ है।
सो गाइस सारे पैरट्स मछलियाँ सेलेक्ट करने में लग गए हैं और जल्दी ही हमें अच्छा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें एंड इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।